भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहां मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत बबैन की सरपंच सूर्या सैनी ने शिरकत की और कहा कि आज हम भारत की संप्रभुता की गौरव में 70वें गणतंत्र दिवस के सुखद एहसास के लिए एकत्रित हुए हैं। लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद मिली आजादी के उपरांत 1950 में आज ही के दिन भारत एक गणराज्य के तौर पर स्थापित हुआ था। इस दिन देश ने अपना संविधान अपनाकर हमें सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आजादी के आधार प्रदान किए। हमारा प्रयत्न है कि हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारा जीवन भारत की महान संस्कृति के अनुरूप हो और हम सच्चे अर्थों में राष्ट्र के आदर्श नागरिक बने। गणतंत्र दिवस हमें राष्ट्र के प्रति दायित्व का बोध भी कराता है। उन्होंने कहा कि आज हम संकल्प लें कि हम सदा राष्ट्रहित को अपने व्यक्तित्व व क्षेत्रीय हित से अधिक महत्व देंगे और संकीर्ण मनोवृत्ति से दूर रहेंगे। बबैन के सरकारी स्कूल में विशाल परिसर में आयोजित इस समारोह के अवसर पर उत्सव जैसा माहौल था। सरपंच सूर्य सैनी ने मीटिंग हॉल के लिए 1 लाख की घोषणा की व जिला परिषद मेंबर रीना सैनी ने बबैन स्कूल के गेट के लिए 1 लाख की राशि देने की घोषणा की। बारे में क्या बताएंगे जो आज आपके स्कूल में प्रोग्राम मुख्य अतिथि सरपंच तौर पर बुलाया गया? हमारे विद्यालय में हर साल गणतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और हर साल हम ग्राम पंचायत को बुलाते हैं। इस वर्ष भी हमने श्री सूर्य सैनी जी को समस्त ग्राम पंचायत को SMC मेंबरों को जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है सबको सारे बबैन को ये हमने लगभग यहाँ बुलाया है। अच्छी भागीदारी रही है बबैन। तो सर जैसे आप स्कूल के प्रिंसिपल भी हो साथ में BO भी है तो 26 जनवरी के लेगा बच्चों को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? मैं बच्चों को यही संदेश देता हूँ कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अच्छी पढ़ाई करें, शिक्षित हों और देश को आगे बढ़ाने में जी अपने देश का पूरा सहयोग करें। यदि एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा, चाहे एक लड़की भी है, एक लड़की दो परिवारों को शिक्षित करती है। तो एजेंडा फहराया उस लड़की के क्वालिफिकेशन क्या हो रहे, क्या फर्स्ट में लड़की 10वीं क्लास में हमारे बबैन गांव से 85% नंबर आए हैं उसके जी। और एक गरीब परिवार से है जी। उसके फादर साहब SMC के प्रधान भी हैं जो एक राजमिस्त्री का काम करते हैं और हमें उम्मीद है वो लड़की प्लस टू में भी। छात्र का नाम क्या है? नवजोत कौर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणबीर सिंह प्रिंसिपल है। लगभग मैं 4 साल से इस विद्यालय में आया हूँ और ये 25% से अब ये लगभग 90% पे हमारा विद्यालय पहुँचा है। एक भी दिन राजमिस्त्री का काम नहीं रुका है। सारे विद्यालय का चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, रिजल्ट हो, अनुशासन हो, उसमें विद्यालय जिले में अग्रणी रहता है। इसके अलावा हर साल लगभग 100 बच्चे हमारे विद्यालय में बढ़ते हैं। हमारे विद्यालय की प्रेयर जो पिछले साल जिसमें सुश्री सुमेधा कटारिया जी उपस्थित हुई थी वो प्रेयर हमने फेसबुक पर डाली थी। लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने हमारे स्कूल की जो प्रेयर है उसको व्यू किया है जी। जो एक हमारे उसेत्तर जिले के लिए नहीं, बबैन के लिए नहीं, हरियाणा के लिए नहीं, जो सारे भारतवर्ष का एक मान है। मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने एक 1950 नंबर टोल फ्री जारी किया है जिसके तहत मैं सभी अपने प्रदेशवासी के युवाओं को सभी से अपील करती हूँ कि आप सब जाकर टोल बूथ पर, सरकारी स्कूल में टोल बूथ पर जाकर अपनी अपनी वोट बनवाएं क्योंकि वोट देने का अधिकार आप सभी को है। अपने इस अधिकार का भरपूर फायदा उठाएं और मैं चाहती हूं कि आप सब अपनी एक अच्छे से अपनी वोट कर अपने एक अच्छी सरकार बनाएं जो देश के विकास में सहायक हो। जैसे 2019 में आप सभी अपने चुनावी बूथ पर जाकर अपना मतदान करें ताकि हमारे देश का भविष्य जो है वो सुरक्षित बन सके और हमें एक अच्छी सरकार मिल सके जिससे हमारे देश का संपूर्ण विकास हो सके। आपका नाम बता दीजिए। मैं जिला परिषद मेंबर रीना देवी वार्ड नंबर 6 से हूँ। जो आज आप स्कूल के बच्चों को क्या संदेश देंगे? मैं सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मैं चाहती हूं कि सभी बच्चे जो कि इस देश का भविष्य हैं वो अच्छे से पढ़ लिख कर अपने देश के भविष्य को उज्जवल बनाएं और अपने माता पिता, अपने स्कूल और अपने अध्यापकगण का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। लगाया सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, तो क्या बताऊँ इसके बारे में? जी सबसे पहले तो मैं
सभी देश व प्रदेशवासियों को, सभी ग्रामवासियों को, सभी स्कूल के स्टाफ को, बच्चों को, सभी गणमान्य अतिथियों को अपनी तरफ से 26 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूँ। जी तो क्या बताओगे इसके फंक्शन के बारे में? 26 जनवरी हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष हमारे गांव में 26 जनवरी कुछ अलग है, क्योंकि इस वर्ष जो 26 जनवरी है, इस 26 जनवरी के पावन अवसर पर हमारा गांव एक अंगड़ाई ले रहा है, जो मतलब उसका नक्शा बदलने जा रहा है। जी कि हमारे गांव में चारों ओर विकास कार्यों की बाढ़ आ गई है, इसलिए 26 जनवरी बहुत अलग है। और अगली 26 जनवरी तक मेरा प्रयास है, मेरा सपना भी है। तो आपकी पंचायत की तरफ से स्कूल के लिए क्या रहेगा थोड़ा योगदान आपकी तरफ से पंचायत? मैंने प्रिंसिपल साहब को बोल दिया है कि सारे ग्राउंड में इंटरलॉकिंग ब्लॉक और ये जो हम क्या नाम पीछे एक हाल बनाया है, सर ने बोला कि उसमें फर्श डालो। मैंने कहा उसमें टाइलें लगवाएंगे फर्श की बजाय, जिससे वो बढ़िया होगा जी, और जल्दी उसमें टाइलों का काम शुरू हो जाएगा। और ये जो स्टेज निर्माणधीन है, इसका काम चल रहा है, इसके ऊपर सेट डाला जाएगा। और जो तो कितने लागत से आपने राशि देने का काम किया है यहाँ पर? मैं देखो बड़ी जल्दी इसकी ग्रांट आने वाली है, वैसे 20 लाख रुपए की ब्लॉक के लिए, जो बड़ी जल्दी सरकार से मंजूर करा रही है। और उसके साथ साथ जो भी 2 लाख 1 लाख जितना भी खर्चा होगा, मैं सारा देने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम और क्या पद है आपका? मैं सूर्या सैनी बबैन, सरपंच ग्राम पंचायत बबैन।